गुड इवनिंग एवरीवन। सिविल स्टैप हिमाचल फैमिली के सभी स्टूडेंट्स का आज के करंट अफेयर्स में 15 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स में आप सबका स्वागत है। और मैं हर रोज की तरह उम्मीद करता हूं आपकी दोस्तों जो है प्रेपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। हालांकि काफी जो है ठंड है, ठंड के दिन शुरू हो चुके हैं। हो सकता है आपके से बड़े सारे जो स्टूडेंट्स हों, जो मैरिड हैं, उनके बच्चों के एग्जाम्स आ चुके हों, या फिर अलग अलग तरह, क्योंकि जो है लोग बिजी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इन सभी मुश्किलों के बावजूद भी जो है आप अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे होंगे, ये कामना करता हूं। और साथ ही साथ आप अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल भी रख रहे होंगे। तो दोस्तों गुड इवनिंग, आज की जो है करंट अफेयर है उसकी शुरुआत करते हैं आज के जो है थॉट ऑफ द डे से, विचार से। लेकिन उससे पहले जो स्टूडेंट्स आ चुके हैं, विशु, अंशु, सपना, मोहित, नयन, अनूप, स्मृति, घमटा जी, नितिश धमता और विशाल शांडी, शांडील, अंजू एडवोकेट साहब हैं जी, अंजू शहद, अकृति भारत, सभी को गुड इवनिंग और सभी को बहुत बहुत स्नेह जी। JBM ब्लॉगर्स, हाँ जी, नागेंद्र बैंस। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। और दोस्तों इसको अपने सभी उन मित्रों के साथ हर रोज, दोस्तों जो है मैं एक बात जरूर बोलता हूं कि आप और किसी के साथ शेयर करें या ना करें, लेकिन अपने उन दोस्तों के साथ, उन मित्रों के साथ जो अनअवेयर हैं दोस्तों, या जो अभी अंडर ग्रेजुएट हैं, या फिर जो ग्रामीण इलाकों में बैठे हैं, उन तक जरूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका एक शेयर किया हुआ उनकी जिंदगी को बदल भी दे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के इस विचार से। दोस्तों दुनिया में जो जीनियस हैं उनमें भी जो टैलेंट है 1% होता है, 99% क्या होता है दोस्तों आपको पता है। और दोस्तों पता तो हमें होता ही है, लेकिन उसको अपनी लाइफ में जो है लेके आना बड़ा मुश्किल है और बड़ा कठिन रहता है। और वो 99% है आपकी कंसिस्टेंसी, लगातार कितना काम आप उस अपने लक्ष्य के लिए करते हैं, आपका हार्डवर्क दोस्तों, आपके जो सेक्रीफाइसेस कि आपने कितने ज्यादा सेक्रीफाइस किए, कितनी पार्टियां हैं आपने छोड़ दी, कितनी शादियों में नहीं गए दोस्तों, आपने जो है कितने जो है दोस्तों के साथ है जो ट्रिप है उनको मिस किए। तो 99% है, यही चीजें हैं जो आपको अपने लक्ष्य तक है लेके जाती हैं। और फिर दुनिया के जो लोग हैं वो हैं दोस्तों आपके बारे में बात करते हैं, और फिर आपको भी अच्छा लगता है क्योंकि आपकी वजह से आपके आसपास के लोगों को, आपके परिवार वालों को बड़ा गर्व है। तो दोस्तों इस खूबसूरत विचार से आगे चलते हैं और आज की पहली न्यूज। और यहाँ पर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो नए आए हैं उनको बता दूं, हमारे पूरे जो है करंट अफेयर इस करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शन है। पहले सेक्शन में हम जो न्यूज़पेपर है उनकी सुर्खियां देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, हिंदू हो, एक्सप्रेस हो, ट्रिब्यून हो, दूसरा हमारा MCQ और तीसरा हमारा हिमाचल स्पेशल है। तो मैं जो है इसकी शुरुआत करता हूं, और मोहित शर्मा कह रहे हैं कि मैं अकेला फील कर रहा हूं। तो मोहित जी एटलीस्ट ये 30 मिनट है आप अकेला फील ना करें, क्योंकि मैं और ये पूरी की पूरी जो सिविल स्टैप हिमाचल फैमिली है ये आपके साथ है। और जो है आप किसी भी तरह का कोई भी जो है अलोनलेस है यहाँ पर फील नहीं करेंगे। तो चलते शुरुआत करते हैं, लेट्स क्रैक। पूजा चौहान, कुछ जो है स्टूडेंट्स नहीं आए, उम्मीद करूंगा जल्दी आ जाएंगे। और शेयर और लाइक है दोस्तों एक बार फिर कर दीजिए। तो दोस्तों पहली जो खबर है वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एक नई घोषणा से जुड़ी हुई। आपने नाम तो जरूर सुना होगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का। तो जो हम कोविड की वैक्सीनेशन की जब हम बात करते हैं तो उनमें से कुछ जो दवाइयां थी वो मेड इन इंडिया थी। हालांकि हमने पाइफाइजर की भी बात की, हमने स्पुटनिक की भी बात की, लेकिन जो मेड इन इंडिया जो वैक्सीनेशन थी, जिसमें से एक थी कोविशील्ड और एक थी कोवैक्सीन, आपको मैं उम्मीद करता हूं जरूर याद होगा कि ये जो कोविशील्ड है ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग की थी, और ये जो कोवैक्सीन है इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है भारत बायोटेक ने की थी। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से जुड़ी न्यूज है, और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो मेन जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है वो पुणे में है, और इसके जो CEO है उनका नाम है आधार पूनावाला, शायद आपने नाम जरूर सुना होगा। तो पिछले साल जो है काफी सुर्खियों में रहे क्योंकि कोवैक्सीन है इन्हीं की कंपनी ने है मैन्युफैक्चर की थी। तो दोस्तों अब इन्होंने कहा है कि क्योंकि अब ऐसी कुछ बातें हैं कि जो तीसरी वेव है वो बच्चों के लिए बड़ी डेंजरस हो सकती है, तो इन्होंने कहा है कि अगले 6 महीनों में हम जो under 6 जो 6 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी है जो वैक्सीनेशन है हमारा तैयार हो जाएगा। फिलहाल वो ट्रायल पे चल रहे हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि 6 साल और 3 साल के छोटे बच्चों के लिए भी जो 100% जो प्रोटेक्टिव वैक्सीनेशन है हम बड़ी जल्दी इसको लॉन्च कर देंगे, जिससे कि जो भारत में जो हेल्थ जो 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 हेल्थ से लेकर जो
जो दोस्तों उम्मीद जताई जा रही थी कि थर्ड वेव को हम कैसे जो निपटेंगे, तो इस तरह की जब खबरें आती हैं तो बड़ा कॉन्फिडेंस है जो है अपने आप में आता है, तो बड़ी अच्छी खबर है। हालांकि हम उम्मीद करेंगे कि ये जो थर्ड वेव है वो आ ही ना और हम उससे पहले ही सभी सुरक्षित रहें। तो बड़ा इंपॉर्टेंट जो है न्यूज थी। और इससे पहले कि मैं अगली न्यूज पे जाऊं, मुझे जल्दी से बता दें, कल मैंने चाइना में आने वाले एक नए वेरियंट का जिक्र किया था आपके साथ, तो उम्मीद करूंगा कि उसका जो नाम है आप बड़े जल्दी बता देंगे। और मैं चलता हूं अगली सुर्खी के ऊपर, और जो है उत्तराखंड से। तो दोस्तों उससे पहले जो है आकृति कह रहे हैं कि सर जो कोविशील्ड है इज यूज टू प्रिपेयर वैक्सीन। हाँ जी, वेरी गुड। और कुछ नए स्टूडेंट शबनम जी, गुड इवनिंग। और जो स्टूडेंट्स हैं साथ साथ हैं, मेरा साथ भी दे रहे हैं। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने है अपने एक जो फैसले में कहा है कि जो चार धाम रोड है जो उसको वाइडन करना, उसको जो है सड़कें बड़ी लंबी चौड़ी करनी है, वो बिल्कुल ठीक है और उसको है अब इस प्रोजेक्ट को है ग्रीन सिग्नल है दे देना चाहिए। तो दोस्तों ये खबर क्या है, सबसे पहले हम देख लेंगे जो चार धाम है कौन कौन से हैं। यमुनोत्री है, गंगोत्री है, केदारनाथ है और बद्रीनाथ है। उम्मीद करता हूं सबको याद होगा कि ये कौन से स्टेट में है। ये उसी स्टेट में है जिससे जुड़ी दोस्तों हमने कल मिल्क इंसेंटिव स्कीम पढ़ी थी, कल या परसों पढ़ी थी। उम्मीद करूंगा कि आपको जरूर याद होगा, मिल्क इंसेंटिव स्कीम के बारे में याद होगा, उसी स्टेट में है ये। तो ये जो है दोस्तों यहां पर क्या है कि ये जो चारों हमारे धाम है तो इनकी जो बाउंड्रीज हैं वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ है टच होती है। मतलब भारत और चाइना जो है वो जो है बाउंड्रीज हैं वो इन चारों धामों के साथ हैं, वो टच होती हैं, जिसकी वजह से हम किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में अपनी जो डिफेंस सर्विसेज हैं इन्हीं रोड्स के लिए है, डिफेंस सर्विसेज के लिए इन्हीं रोड्स को यूज कर पाए। तो इस वजह से ये एक प्रोजेक्ट था 900 किलोमीटर का ये जो रोड है जिसको हमें जो है वाइडन करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसकी वजह से एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो इस वजह से ये जो मामला है बहुत सारे एनजीओस ने सुप्रीम कोर्ट में था, लेकिन कहीं जहां पर हमारे लिए एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है और पैरेलली हमारे लिए डिफेंस सर्विसेज भी बड़े इंपॉर्टेंट। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट और इस ये जो केस था DY चंद्रचूड़ जी है इस बेंच को लीड कर रहे थे और उनकी अगुवाई में फिलहाल उन्होंने बोल दिया कि इसको वाइडनिंग करने की जो शुरुआत है वो जो BRO है हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो उसकी शुरुआत करते। और ये कहां पर है, उत्तराखंड में है, आप सबको पता है, जहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। और कुशम जी गुड इवनिंग, और दोस्तों सभी को गुड इवनिंग। और दोस्तों हम चलते हैं अगली खबर पे, चार धाम से अब चलते हैं हम डायरेक्ट यूके में। और यूके के प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, बोरिस जॉनसन बोल रहे हैं, और भारत और जो यूके हैं नेचुरल पार्टनर हैं। नेचुरल पार्टनर का मतलब है कि हमारा जो व्यापार है जो है इंटरडिपेंडेंट है और हम एक दूसरे के साथ हर साल है हमारा जो व्यापार है हर साल बढ़ता ही रहेगा और 2030 तक तो हमारे बहुत सारे जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी हैं। तो दोस्तों एक छठी एनुअल ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट में है ये अपना जो है भाषण दे रहे थे बोरिस जॉनसन जी। यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट की या फिर डेमोक्रेसी समिट है, तो ये USA होस्ट कर रहा है। हालांकि ये सारी की सारी डिजिटल समिट्स हैं, तो दोस्तों जो है इनको आपको याद रखना है कि कौन सा कंट्रीज को होस्ट कर रहा है। तो इसको थोड़ा आगे बढ़ने से पहले और यहाँ पे मैं देवेंद्र सिंह जी ने कुछ लिखा है कि सर ग्रीन सिग्नल गिवन ऑन द बिहाफ ऑफ डिफेंस मैटर एंड ग्रीन सिग्नल गिवन टू 3 फेसेस एंड 4th फेसेस इज नोट। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिलहाल जो है इसको एक बार हरी झंडी जरूर दे दी गई है। और एकेडमी का ऑफिस कहाँ है जी मोहित जी, ये सेक्टर 36 में ऑफिस है। चलिए आगे चलते हैं, और काफी स्टूडेंट्स ने मेरे जो पिछले प्रश्न का भी उत्तर दे दिया है कि वहां का जो कोविड वेरिएंट था दैट इज AY.4, वेरी गुड। तो आगे चलते हैं कि जो यूके के प्रधानमंत्री हैं इन्होंने ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट के दौरान कहा कि भारत स्पेशली यहाँ पर 5G और जो टेलीकॉम का जो सेक्टर है यहाँ पर जो है हम दोनों के बड़े सारे सेटअप हैं और ये जो हमारी पार्टनरशिप है ये एक तरफ बहुत सारे जो इनोवेशंस, बहुत सारे जो एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारा जो एंटरप्रीन्योर्स लेकर आएगी। दूसरा इन्हीं टेक्नोलॉजी की वजह से है जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उनको भी है जो बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। तो इंडिया की काफी तारीफ की और उम्मीद करेंगे कि 2030 तक हमारे जो बहुत सारे जो व्यापार है उनका जो लेन देन है काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और ये बोल कहाँ रहे थे, छठी जो वार्षिक ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट के दौरान ये है बोल रहे थे। और एक दो दिन में भारत के प्रधानमंत्री जी भी इसे डिजिटल तरीके से है जो है दोस्तों यहाँ पर अपना भाषण देंगे। तो उम्मीद करता हूँ जो अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर अगली सुर्खी है जुड़ी हुई महंगाई से। तो दोस्तों इट इज रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। तो सबसे पहले हम देख लें कि इन्फ्लेशन होती क्या है,
खबर यह है कि जो महंगाई है वो नवंबर में दोस्तों 14.23% लगभग 14% है वो इंक्रीज हुई है, और इसका बड़ा रीजन है कि जो कच्चे तेल की कीमतें हैं या मेटल के जो प्राइसेस हैं पिछले काफी समय में है वो इंक्रीज हुए हैं। तो ये जो इन्फ्लेशन है, महंगाई, अब आप सबको पता ही है महंगाई हम फील करते हैं, महंगाई हमारे जो है हर साल हर महीने के बजट के ऊपर अफेक्ट डालती है। दोस्तों महंगाई होती है कि जब एक निर्धारित समय में जब कुछ जो प्रोडक्ट के जो प्राइजेस हैं इंक्रीज हो जाते हैं और उसे हम महंगाई बोलते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये जो निर्धारित टाइम पीरियड है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये क्या है। अब ये तय करती है हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट, जिसे हम बोलते हैं बेस ईयर। तो दोस्तों बेस ईयर है कि जिससे कंपैरिजन है हम प्रेजेंट को करते हैं। जैसे अभी फिलहाल हमारा जो बेस ईयर है, अगर मैं बात करूं, अगर मैं होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करूं तो हमारा बेस ईयर 2011-12 है, और अगर मैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसे हम रिटेल इन्फ्लेशन बोलते हैं उसके कंपैरिजन हमारा बेस ईयर है 2012 है। तो मान लीजिए कि ये जो पेन है जिससे मैं लिख रहा हूं, अगर इसकी कीमत 2012 में, क्योंकि अब ये रिटेल ए की पेन की बात कर रहा हूं, तो दोस्तों मान लीजिए अगर 100 थी और आज इसकी कीमत 112 है, तो हम कहेंगे कि सीपीआई में जो इन्फ्लेशन है 12% हो चुका है। इस पेन के कंपैरिजन में कॉन्टेस्ट में ये हमारा जो इन्फ्लेशन है वो 12% हो चुका है। और अगर मैं होलसेल, मान लीजिए कि ये मैं 10,000 मैन्युफैक्चरिंग है इन पेन्स की, और 10,000 मैन्युफैक्चरिंग का जो भी कीमत होगी 2011-12 में और अब, उनका जो डिफरेंस है उसे हम होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये जो जो है महंगाई है क्या है, आप समझ गए होंगे कि दो टाइम पीरियड्स के बीच का जो डिफरेंस है वहां पर जो प्रोडक्ट्स का जो प्राइस इंक्रीज हुआ है उसे हम इन्फ्लेशन बोल देते हैं, और अगर वो डिक्रीज हुआ है तो उसे हम डिफ्लेशन बोल देंगे। ध्यान से सुनिए, और दोस्तों यहाँ पर जो होलसेल जो प्राइस इंडेक्स है, होलसेल मतलब जब चीजें बल्क में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कंज्यूमर प्राइस में है, जब हम चीजें रिटेल में है उनको कंपैरिजन करते हैं तो जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है इसको जो इनके जो आंकड़े प्रोवाइड करता है वो करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अधीन है। और दूसरी तरफ देखें दोस्तों जो सीपीआई के जो आंकड़े हैं ये प्रोवाइड करता है सीएसओ, और इसका जो नया नाम है अब हम एनएसओ भी बोल देते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसे पहले सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस कहा जाता था, इसके जो आंकड़े वो देते हैं। और जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है इसमें सिर्फ और सिर्फ गुड्स है उनको कवर किया जाता है, लेकिन जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है या जो रिटेल इन्फ्लेशन है यहाँ पर गुड्स और सर्विस दोनों ही जो है कवर की जाती है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि जो होलसेल इन्फ्लेशन है तो इसमें काफी बड़ा उछाल आया है, और ये आंकड़े किसने दिए होंगे, ये आंकड़े दिए हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। तो यहाँ पर स्पेशली इन्होंने कहा है कि पिछले कुछ महीनों में क्रूड ऑयल, कच्चे तेल की कीमतें, नेचुरल गैस की कीमतें या फिर जो है बेसिक मेटल्स की कीमतों में भारी उछाल आया है, जिसकी वजह से लगातार है प्राइसेस है बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे मैं बता दूं कि हमारे यहाँ पर जो टारगेट इन्फ्लेशन है जो आरबीआई रखता है वो रखता है 2-6%, लेकिन कोविड के बाद जो है हमने लगातार देखा है कि जो है इन्फ्लेशन लगातार है बढ़ती जा रही है, स्पेशली अब जब हम रिकवरी शेप में हैं और यहाँ पर है जो इसे कंट्रोल करना है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी और मैं आपको बेसिक्स बता दूं इसके बारे में कि ये जो होलसेल प्राइस है ये इंडिकेटर है जब होलसेल मार्केट में प्राइस बढ़ते हैं, और जब हम होलसेल मार्केट की बात करते हैं यहाँ पर जिक्र करूंगा मैन्युफैक्चरर्स का और होलसेलर्स का, क्योंकि जो होलसेलर्स हैं वो अपना जो प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चरर से ही मैन्युफैक्चर करवाएंगे, और वहां पर पता लगता है कि एक्चुअल में जो जो रॉ मटेरियल है जो प्राइमरी सेक्टर से हमें मिलता है कि उसकी जो कीमतें हैं कितनी बढ़ चुकी हैं। और दूसरी तरफ सीपीआई है, यहाँ पर जो है जो भी बास्केट ऑफ गुड्स जो 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 आम जो जो डेली रोजमर्रा की जिंदगी में हम चीजें यूज करते हैं उनके एवरेज प्राइसेस में कितना डिफरेंस आया है, और ये जो डिफरेंस है आप ऑलरेडी बता चुका हूँ कंपेयर किया जाता है डब्ल्यूपीआई में 2011-12 के और सीपीआई में कवर किया जाता है 2012 के कंपैरिजन। तो दोस्तों जो है इससे जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको इकोनॉमिक्स में आ सकते हैं, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ ये आ गया होगा। तो दोस्तों यहां पर जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बफरिंग का प्रॉब्लम है तो इसको रिफ्रेश कर लीजिए तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और हम चलते हैं फिर स्पेन, तो स्पेन में है वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि बैडमिंटन का जो जो बैडमिंटन वर्ल्ड जो फेडरेशन है उसका वर्ल्ड चैंपियनशिप है कहाँ पर है वो हुआ था, तो स्पेन में शुरुआत हो चुकी है और हमारे जो शुरुआती मैचेस हैं जिसमें पीवी सिंधु ने अपने प्रतिद्वंदी को हरा दिया है। दूसरी तरफ देखें के श्रीकांत और लक्ष्य सेन, दोस्तों ये लक्ष्य सेन एक नया नाम है याद रखिए, ये लक्ष्य सेन
बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है और तो सभी ने अपने जो है शुरुआती मैच जीत लिए हैं। और साथ ही साथ मैं उम्मीद करूंगा कि इसके वेन्यू के साथ आपको याद होगा कि हमारा जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप है वो कहां पे हुआ था, वो हुआ था अभी रिसेंटली भुवनेश्वर उड़ीसा। दूसरा प्रश्न दोस्तों आपको याद होगा कि अभी एशियन चैंपियनशिप है हॉकी में वो कहां पर शुरू हुई है, उसकी जो शुरुआत है ढाका में हो चुकी है। तीसरा प्रश्न बीजिंग में 2022 की विंटर ओलंपिक्स हो रही है, उम्मीद करता हूं ये भी याद होगा। और साथ ही साथ जल्दी से बता दें कौन कौन से कंट्रीज ने इसका जो है दोस्तों ऑफिशियल स्तर पे जो है बॉयकॉट किया है। फिर चौथा जो है दोस्तों दुबई में T20 वर्ल्ड कप हुआ और साथ ही साथ IPL हुई, T20 का जो विजेता था वो ऑस्ट्रेलिया था और IPL का विजेता चेन्नई सुपर किंग्स। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 2024 की जो ओलंपिक्स है वो पेरिस में होने वाली है, जो 2020 की टोक्यो में हुई थी हालांकि कोविड की वजह से 2021 में हुई। 2028 की ओलंपिक्स लॉस एंजेलिस में होगी, 2032 की ओलंपिक्स ब्रिस्बेन में होगी, 2022 अगले साल का जो कॉमनवेल्थ है वो जो है बर्मिंगम में होगा, फिर अगले साल का जो एशियन गेम्स है वो हैंगझोउ चाइना में होगा, फिर 2023 का चाहे क्रिकेट वर्ल्ड कप हो चाहे वो हॉकी वर्ल्ड कप हो, ये दोनों ही जो आयोजन है ये भारत में होंगे। तो ये काफी कुछ मैंने बोल दिया, उम्मीद करता हूं अगर आप रेगुलर रहे होंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ भी गया होगा। और जो कंट्रीज ने जो ऑफिशियली बॉयकॉट किया है, यूके है, यूएसए है, न्यूजीलैंड है और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया भी है उसमें, जो कि उनका जो है मिनिस्टर लेवल के ऊपर है उनको जो दोस्तों बॉयकॉट कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं ये जो पहला सेक्शन है दोस्तों पहला सेक्शन अच्छे से समझ आपको आ ही गया होगा। और अब हम जो है दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे और दूसरे सेक्शन में आपको पता है कि सुर्खियां होंगी और उसके रिलेटेड है हमारे MCQs होंगे। तो उससे पहले आप सबको पता है क्या कर रहे हैं, एक बार अपने सभी मित्रों के साथ सेशन को शेयर लाइक है जरूर कर दीजिए, तो शेयर लाइक दबा के कर दीजिए। और अगर कोई डाउट हो जो है पिछले सेक्शन में दोस्तों उसको भी आप पूछ सकते हैं, और अगर डाउट नहीं है तो नो डाउट लिख के भी मुझे बता सकते हैं। तो हम चलते हैं अगले सेक्शन में, शेयर कर दीजिए दोस्तों और अगर लाइक नहीं किया अभी तक उसे लाइक भी कर दें। तो हमारा जो टारगेट है हमें 100 सेंचुरी जरूर करनी है दोस्तों आज जो है, बाकी जो है आप तो कोशिश करते ही हैं अपने सभी दोस्तों के साथ, लेकिन आज इच्छा है कि 100 जरूर हो जाए। और कल का जो है सेशन हमारा स्पेशल भी रहेगा क्योंकि कल 16 दिसंबर विजय दिवस है दोस्तों, उसकी भी एक स्टोरी है आपके साथ शेयर की जाएगी। तो शुरुआत करते हैं दूसरे सेक्शन की। तो दूसरा पहला जो प्रश्न है उसमें सुपरसोनिक मिसाइल है, स्मार्ट मिसाइल रिसेंटली इंडियन नेवी के लिए तैयार की है DRDO ने, तो दोस्तों उसको लॉन्च किया गया है। दूसरा प्रश्न है एनर्जी कंजर्वेशन डे है वो अभी 14 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया दुनिया भर में। तीसरा IIT कानपुर में एक पोर्टेबल डिवाइस है दोस्तों उसकी शुरुआत की है ताकि जो सॉइल की जो डिटेक्शन है उसको सिर्फ और सिर्फ 90 सेकेंड्स में है उसको है उसकी जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है वो बताई जा सके। फिर सरयू नहर जो प्रोजेक्ट है यूपी में लॉन्च किया गया है और बड़े सारे लगभग कहा जा रहा है कि हजारों जो एकड़ जो इससे है इरिगेशन फैसिलिटीज मिलेगी और बड़े सारे किसानों को ईस्टर्न यूपी में इसका बेनिफिट मिलेगा। पांचवा जो इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन है इसको में भारत को जो है दोबारा से 2 साल के लिए रीइलेक्ट किया गया है। और छठा प्रश्न है कि जो UAE जो है दोस्तों ऐसा देश बना है जहां पर इंप्लॉयज बड़े खुश होंगे क्योंकि वहां पर वर्किंग डेज है 4.5 दिन कर दिए गए हैं, वीकेंड बड़ा लंबा कर दिया गया है सैटरडे दोपहर से लेके अब आप संडे नाइट तक है वहां पर एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हमारे पहले MCQ की तरफ। और जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि PV सिंधु विन, बिल्कुल जी बिल्कुल लगातार है वो जीत रही है दोस्तों। पहला जो प्रश्न है वो सुपरसोनिक मिसाइल, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉरपीडो, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं स्मार्ट। ये जो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉरपीडो है तो इसको हम स्पार्क, तो दोस्तों यहां पर मैं बता दूं ये टॉरपीडो क्या होता है। टॉरपीडो का मतलब है टॉरपीडो वो बॉम्ब है दोस्तों जो कि जो मिसाइल है जो उसे रिलीज करती है, तो उस बॉम्ब को हम क्या बोल देते हैं, टॉरपीडो बोल देते हैं। और सुपरसोनिक मिसाइल ये जो है एक एंटी जो है सबमरीन मिसाइल होगी जो कि इंडियन नेवी को आने वाले दिनों में है बहुत मदद करने वाली है। तो उससे जुड़े 2 पॉइंट्स हैं, तो ये DRDO ने जो है इसे बनाया है, इट वॉज डेवलप्ड बाई DRDO। और दोस्तों ये एक ऐसी जो है मिसाइल होगी जो जो है अपना जो निशाना है बड़ा एक्यूरेट तरीके से लगा सकेगी। और यहाँ पर 2 स्टेज सॉलिड प्रपल्सन होगा, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर्स होंगे और
प्रिसीजन इनर्शियल नेविगेशन है, तो इनका जो नेविगेशन है बहुत ही बेहतर होगा और इसमें जो कुछ साइंटिफिक टर्म्स हैं सॉलिड प्रोपल्शन दो स्टेजेस पर होगा ताकि दोस्तों उसके फेल होने के जो चांसेस हैं बड़े ही कम हो सके। तो इसमें से कौन से पॉइंट ठीक है कौन से पॉइंट गलत हैं, तो यहाँ पर इसका उत्तर देने से पहले मैं आप सबको बोल दूं बता दूं कि जो स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं बहुत अच्छा, और जिन जो ये सोच रहे हैं कि इतने सारे बच्चे आंसर कैसे दे रहे हैं, इतना सारा जो है बच्चों को कैसे पता, तो उन बच्चे वो सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस ये जो MCQs हैं ये आपको सुबह 11 या 11:30 तक है हमारे टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। तो अगर आप भी इनको सुबह ही रीड आउट करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जरूर ज्वाइन कर ले, जिसका नाम है पहाड़ी तूफानी। तो दोस्तों उसको है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और इसका जो सही उत्तर है ये दोनों ही पॉइंट बिल्कुल ठीक है। तो ये जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग को जो दोस्तों जो टेस्ट किया गया वो किया गया हमारा जो बालासोर जो जो उड़ीसा में है वहां पर अब्दुल कलाम आइलैंड के ऊपर है, इसकी टेस्टिंग की गई है। और ज्यादातर हमारी जो टेस्टिंग्स हैं अगर हम बात करें हमारे जो DRDO द्वारा बनाई गई किसी भी मिसाइल्स की जो टेस्टिंग है वहीं की जाती है अब्दुल कलाम आइलैंड में और बालासोर कोस्ट में। और यहाँ पर इसको जो डिजाइन है डिजाइन किया गया है एज ए एंटी सबमरीन डिलीवरी सिस्टम। तो उम्मीद करेंगे कि जो इंडियन नेवी है इससे और ज्यादा है स्ट्रॉन्ग हो सकेगी। फिर दूसरा प्रश्न है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे से जुड़ा हुआ, और ये जो एनर्जी कंजर्वेशन डे है दोस्तों हर साल इससे जुड़े 3 पॉइंट्स हैं, ये हर साल 24 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका इस साल का थीम एनर्जी एफिशिएंट इंडिया एंड आजादी का अमृत महोत्सव है। और तीसरा प्रश्न है इसका जो लक्ष्य है कि ताकि दुनिया भर में जो है एनर्जी कंजर्वेशन से जुड़ी जो बातें हैं उसके द्वारा लोगों को अवेयर किया जाए, और इसकी जो अवेयरनेस जितनी ज्यादा प्रमोट होगी उतना ज्यादा एनवायरमेंट प्रोटेक्ट होगा और उतने ज्यादा आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। तो कौन सा पॉइंट ठीक है कौन सा पॉइंट गलत है, तो मोनिका यामूर जी ने लिख दिया कि सर ये 24 को तो नहीं, ये तो 14 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो बिल्कुल ठीक, बाकी दोनों पॉइंट्स बिल्कुल ठीक हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज द 2 और 3। तो इसका जो थीम है एनर्जी एफिशिएंट इंडिया एंड आजादी का अमृत महोत्सव, तो इससे जुड़ी एक तस्वीर दोस्तों जो है तभी हमारी जो धरती है वो प्रोटेक्टेड रह सकती है। और इस दिन दुनिया भर में बहुत सारे डिस्कशंस हैं, कॉन्फ्रेंस हैं, डिबेट्स हैं इस मुद्दे को लेकर किए जाते हैं। फिर चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। तो तीसरा प्रश्न है हमारे एग्रीकल्चर से जुड़ा, हमारी किसानी से जुड़ा हुआ। तो दोस्तों IIT कानपुर ने रिसेंटली एक नया पोर्टेबल टेस्टिंग डिवाइस है उसको डेवलप किया है, उससे जुड़े ये कुछ पॉइंट्स हैं दो। तो पहला पॉइंट है कि ये पोर्टेबल होगा और वायरलेस सॉइल टेस्टिंग डिवाइस है, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है गिल्ली जो है ड्राई सॉयल है, जो ड्राई सॉयल के सिर्फ 5 ग्राम आपको उसमें जो है डालने हैं, और ये उसके पूरे के पूरे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी पूरी जो डिटेल है आपके मोबाइल में जो है आपको प्रोवाइड कर देगा। और कैसे प्रोवाइड करेगा, लेकिन उससे पहले आपको अपने मोबाइल में जो ये जो मोबाइल ऐप है भू परीक्षक है उसको डाउनलोड करना है, और इसकी जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्नोलॉजी है वो उसी वक्त मतलब सिर्फ 90 सेकेंड्स में उसकी जो पूरी डिटेल है आपके मोबाइल के ऊपर है वो दे देगी। तो ये दोनों पॉइंट्स हैं, IIT कानपुर ने इसे डेवलप किया है। तो दोस्तों इसमें से कौन से पॉइंट ठीक है कौन से पॉइंट गलत है इसके बारे में देखेंगे हम। और जो है बच्चे बोल रहे हैं कि सर दोनों ही पॉइंट ठीक है, बिल्कुल दोनों ही पॉइंट बिल्कुल ठीक है जी। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये जो पैरामीटर्स है ये डिटेक्ट करेगी धरती से रिलेटेड मिट्टी से लेकर, तो वो होंगे जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटाशियम है, ऑर्गेनिक कार्बन है। तो ये सारे के सारे जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं ये उसकी पूरी डिटेल देगी कि वो मिट्टी किस फसल के लिए है ज्यादा बेहतर हो सकती है। और सिर्फ भू परीक्षक नाम की ये जो ऐप है मोबाइल और इस जो है डिवाइस के साथ आपको कनेक्ट करना है और उस मिट्टी का कुछ जो अंश है इसमें डालना है। तो दोस्तों साथ ही साथ मुझे आप बता दें क्योंकि पिछले लगातार कल भी हमने एक स्कीम जो ऑर्गेनिक फार्मिंग और जीरो बजट फार्मिंग को प्रमोट करती है हिमाचल में, तो उसका जिक्र किया था कल भी और परसों भी। तो उसका नाम जल्दी से बता दें, आपको फिर भी एक हिंट दे देता हूं, अगर याद नहीं आ रही तो PAAA, तो आप मुझे पूरा नाम बताएंगे जल्दी से, उम्मीद करूंगा। और दोस्तों एग्रीकल्चर है उससे आजकल जुड़े बड़े सारे जो प्रश्न है एग्जाम्स में आ रहे हैं, तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको जरूर याद होगा। तो फुल फॉर्म बताइए साहिल जी, जो शॉर्ट फॉर्म तो मैं भी आपको बता ही चुका हूं। तो मैं चलता हूं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है वो है नरेंद्र मोदी जी ने जो सरयू कैनाल प्रोजेक्ट है जो जिसकी जो कीमत है लगभग 9800 करोड़ है, उसकी शुरुआत है भारत के किस स्टेट में की है। और इसके साथ ही साथ बच्चों ने उत्तर भी दे दिया है, प्राकृतिक खेती खुशहाल। हाँ जी, तो प्राकृतिक खेती खुशहाल कृषि खुशहाल योजना, हाँ जी अल्टीमेट ने बिल्कुल ठीक लिखा है, प्राकृतिक कृषि खुशहाल किसान योजना, वेरी गुड वेरी गुड। और दोस्तों यहाँ पर सरयू जो है
सबसे पहले बता दूं इस प्रश्न को और आगे लेके जाने से पहले, जो अयोध्या है, अयोध्या सरयू नदी के ऊपर बना हुआ शहर है। जैसे बड़े इंपॉर्टेंट जैसे सिटीज हैं, दिल्ली, यमुना है, जो हुगली है दोस्तों, कलकत्ता है, पटना, गंगा है, बड़े बड़े शहर हैं, दुनिया के जितने बड़े शहर हैं वो बड़े रिवर्स के ऊपर बने हैं। चाहे दोस्तों जो पेरिस हो वो साइन के ऊपर, लंदन थेम्स के ऊपर, तो न्यूयॉर्क हो, चाहे वो ढाका हो, कराची, सभी किसी ना किसी जो है दरिया के ऊपर बने हैं। तो यहाँ पर जो अयोध्या है वो सरयू जो है के ऊपर बना है, और फिलहाल इसकी जो दोस्तों शुरुआत है उत्तर प्रदेश, ये जो कहना प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश पे है। तो ये जो प्रोजेक्ट दोस्तों बहुत ही बड़ा है, ठीक है, और इससे लगभग जो ईस्टर्न यूपी है, ईस्टर्न यूपी की लगभग 14 लाख हेक्टेयर जो लैंड है उसको इरिगेशन फैसिलिटीज मिलेंगी, और 29 लाख से ज्यादा जो फार्मर्स हैं उसको इसका बेनिफिट होने वाला है। और इस रिवर प्रोजेक्ट के तहत है ये जो 5 रिवर्स हैं, गघारा, सरयू, राप्ती, बनगंगा और रोहिणी, इन पांचों की है इंटरलिंकिंग की जाएगी, और इंटरलिंकिंग करके जो 29 लाख फार्मर्स को है बेनिफिट इसका दिया जाएगा। तो दोस्तों ये यूपी के बलरामपुर जो इलाके में ये जो सरयू नदी जो प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत की गई है। तो वेरी गुड साहिल जी ने पांचों नदियों के नाम भी लिख दीजिए। तो पांचवा प्रश्न, पांचवें प्रश्न से पहले सेशन को दोस्तों लाइक जरूर कर दें और शेयर जरूर कर दें, और हम चलते हैं अंतरराष्ट्रीय मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ दोस्तों, उससे जुड़े दो पॉइंट्स। तो ये जो एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे शिपिंग की रेगुलेटर के तौर पे काम करती है, इंटरनेशनल शिपिंग के तौर पे काम करती है उसके रेगुलेटर के तौर पे, और इसका जो हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस में है। तो आप बताएंगे कौन सा पॉइंट ठीक है, कौन सा पॉइंट गलत है। तो जहां पर हेडक्वार्टर की बात करें दोस्तों, तो यहां पर बता दूं पेरिस की बात चली है, तो पेरिस में जो है यूनेस्को, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर तो जरूर है, जिसका जिक्र हम जो है अक्सर करते रहते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुझे यहाँ पे नहीं लगता है, और जो है बच्चों को भी यही लगता है ज्यादातर स्टूडेंट्स को। तो सिर्फ और सिर्फ पहला पॉइंट ठीक है, क्योंकि इसका जो हेडक्वार्टर वो है लंदन में। तो इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन बनाई जरूर यूनाइटेड नेशन ने थी, इसका जो जिक्र है सबसे पहले 1948 में दोस्तों इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान होता है, और 1998 में है दोस्तों जो है ये एग्जिस्टेंस में आती है 1958 में, और 1982 में है इसका जो नाम है इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो प्रेजेंट में है वो इसका नाम 1982 में है। और ये जो इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, तो भारत अभी दोबारा से 2 साल के लिए इसका जो मेंबर है वो बन चुका है, इसको याद रखिए। और बड़े सारे और हेडक्वार्टर्स, चाहे हमने कल भी बात की थी, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, वो जो है वॉशिंगटन में है, यूनाइटेड नेशन और यूनिसेफ का कल जिक्र कर रहे थे, वो न्यूयॉर्क में है, स्पेशली फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो दोस्तों अलग रोम इटली में है। तो इन सभी के हेडक्वार्टर्स हमें एक बार रीडिंग जरूर आप किया कीजिए, क्योंकि इस तरह के जब क्वेश्चंस हैं, 3-4 पॉइंट स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन हैं, उनमें से एक दो क्वेश्चन, एक दो पॉइंट है हेडक्वार्टर से जुड़ा भी आ ही जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे, छठे प्रश्न पे, और छठा प्रश्न है दोस्तों ये जुड़ा है हमारे जो है वर्किंग कल्चर से, कि किस देश ने अभी अपना 5 दिन का जो वर्क वीक था उसको 4.5 दिन कर दिया गया है, और इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2022 से है की जाएगी। तो उत्तर तो मैं उम्मीद करता हूं सबको पता ही होगा, और साथ ही साथ नीतीश जी कह रहे हैं कि सर फर्स्ट हेरिटेज सिटी डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को, हाँ जी अहमदाबाद, ओके। और इसका जो उत्तर है वो है जी UAE। तो दोस्तों यूनाइटेड अरब अमीरात है, और फिलहाल इसने इसकी शुरुआत कर दी है। तो पहले यहाँ पे क्या था कि मंडे टू जो थर्सडे वर्किंग था, फ्राइडे कंट्री है तो उस वजह से छुट्टी थी, और सैटरडे वर्किंग था। अब इन्होंने क्या कर दिया, मंडे टू थर्सडे वर्किंग है, फ्राइडे को हाफ डे है, और फ्राइडे हाफ डे के बाद आप संडे तक है एंजॉय कर सकते हैं, अपना वीकेंड है उसको जो है आनंद के साथ है व्यतीत कर सकते हैं। तो दोस्तों दुनिया का ये पहला कंट्री है, 4.5 दिन का वर्किंग डे इन्होंने कर ही दिया है। तो दोस्तों ये था हमारा दूसरा सेक्शन, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ आया होगा, फिर भी किसी भी तरह का डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ नयन विश्व ने एक और प्रश्न दे दिया, जिस कल हम जिक्र कर रहे थे कि दुबई दुनिया का पहला कंट्री बन चुका है जो पूरी तरह से है पेपरलेस है, होने जा रहा है हर तरह की जो दोस्तों वहां पर सुविधा है आने वाले वक्त में है वो पेपरलेस होगी। तो तीसरा सेक्शन है, उससे पहले मैं चाहूंगा कोई किसी तरह का डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो इंडिया में कब होगा साहिल जी, उम्मीद करते हैं इंडिया में भी ऐसा हो जाए, और स्पेशली जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आप ही को आगे जाके पॉलिसी मेकर्स बनना है, तो दोस्तों आप ही कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको
जो है एडमिनिस्ट्रेटर है बनना पड़ेगा। तो कोई किसी तरह का डाउट हो पूछ सकते हैं जल्दी से, और सेशन को दोस्तों हिमाचल स्पेशल से पहले है सेशन को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए। दो तीन बड़े अच्छे प्रश्न है आज हमारे हिमाचल स्पेशल में और इसकी हम शुरुआत करते हैं। और जब आप किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं देते तो शायद लगता है कि या तो डाउट्स ही डाउट हैं या फिर कोई भी डाउट नहीं है, तो दोनों में से कोई एक ही जो है एग्जांपल है। तो दोस्तों हिमाचल स्पेशल, तो हिमाचल में सबसे पहला जो प्रश्न है वो है जो है हिमाचल के आईटी मिनिस्टर कौन है। तो हिमाचल के जो आईटी मिनिस्टर कौन है जल्दी से इसका किस संदर्भ में पूछ रहा हूं मैं वो भी आपको बता देता हूं। दोस्तों ये जो प्रश्न है, क्योंकि आप सबको पता है कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि जो ड्रोन्स जो फेस्टिवल है, ड्रोन्स का जो मेला है, आप सबको पता होगा कि SAI ग्राउंड धर्मशाला में उसे ऑर्गेनाइज किया गया है। और स्पेशली उन्होंने कल वहां से नजदीक जो टांडा मेडिकल कॉलेज है, दवाइयों का जो आदान प्रदान है वो ड्रोन से करके दिखाया था। और इस मेले की शुरुआत है, ड्रोन जो फेस्ट की जो शुरुआत है आईटी मिनिस्टर जी ने की थी। और दोस्तों उनका नाम क्या है, वीरेंद्र कंवर, जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री जी के पास है या फिर रामलाल मारकंडा, या इनमें से कोई भी नहीं है जी, तो जल्दी से बता दें। तो दोस्तों यहाँ पर जो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर अश्विनी वैष्णव, लेकिन वो भारत के हैं, यहाँ पर मैं हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों आकृति शर्मा कह रहे हैं सर वीरेंद्र कंवर, तो वीरेंद्र कंवर की हमने कल बात की थी, और क्यों की थी, क्योंकि वो हमारे जो है मिनिस्टर हैं, वो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं जी। तो दोस्तों यहाँ पर हैं ये जो हमारे रामलाल मारकंडा जी आईटी मिनिस्टर हैं, तो वेरी गुड। तो दोस्तों ये ड्रोन्स डिलीवर मेडिसिन एट टांडा मेडिकल कॉलेज, और धर्मशाला में ये जो ड्रोन फेस्टिवल है, यहाँ पर अलग अलग तरह की जो टेक्नोलॉजीज हैं, और यहाँ पर जो है इन्होंने मेडिकल कॉलेज से दवाइयों का जो आदान प्रदान करके दिखाया, जिससे आने वाले दिनों में ड्रोन टेक्नोलॉजी में और नई एम्प्लॉयमेंट है जनरेट हो सकती है, और इससे ह्यूमैनिटी को और ज्यादा कैसे बेनिफिट दिया जाता है इसके बारे में वहां पर है भाषण वाजपेयी। तो दोस्तों ड्रोन डिलीवर याद रखिए कहां पर, धर्मशाला में, और जो है हमारे मिनिस्टर साहब कौन है, मिनिस्टर साहब है हमारे रामलाल मारकंडा। हाँ जी, फिर दूसरा प्रश्न है कि रिसेंटली अब सबको पता है विंटर सेशन चल रहा है धर्मशाला में, और यहाँ पर एक नया बिल पास हुआ है HP लोकायुक्त बिल 2021, और इसके तहत अब जो हाई कोर्ट के जो रिटायर जजेस होंगे वो किस पोस्ट के लिए है एलिजिबल होंगे, जल्दी से बता दें। तो दोस्तों ये जो रिटायर्ड जो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो लोकायुक्त पोजीशन के लिए है वो जो है एलिजिबल होंगे, या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी के VC के अकॉर्डिंग, या स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के लिए, या इनमें से कोई भी नहीं है, तो आज की ये सुर्खी थी। और जब मैं यहाँ पर जो है जजेस की बात कर रहा हूँ, तो प्रिविलेज मोशन दोस्तों थोड़ा सा जिक्र भी किया था आपको याद होगा, तो अभी रिसेंटली प्रिविलेज मोशन है वो किसके जो खिलाफ है हमारी राज्यसभा में आ सकता है वो भी मुझे जल्दी से बता दें। और इसका जो उत्तर है वो लगभग सभी स्टूडेंट्स ने है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये तो प्रश्न आप तभी इनके उत्तर दे सकते हैं जब आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा हो। तो इसका मतलब ये जो सोनिया है, स्मृति है, मृदुल है, मोनिका है, साहिल है, फिर ये करिश्मा है, प्रिया दर्शना है, देवेंद्र है, आकृति है, इन सभी ने है जो आज का जो न्यूज़पेपर भी पढ़ा है, तो बड़ी खुशी हुई जो आपको देख के दोस्तों। तो लोकायुक्त की जो पोजीशन है अब इनके लिए सुरक्षित है, तो वहां पर इनको अब लगाया जा सकता है। तो ये HP लोकायुक्त बिल है जो 2021 इसके तहत है ये फैसला लिया गया है। और इसके अलावा दोस्तों ये पूरी की पूरी खबर है, आप इसको देख सकते हैं अभी धर्मशाला में। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं जो नई अमेंडमेंट्स हुई हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बिल 2021 हो, HP लोकायुक्त बिल 2021 हो, या फिर सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी हिमाचल प्रदेश एस्टेब्लिशमेंट एंड रेगुलेशन बिल 2021 हो, तो ये तीन बिल हैं इनको है पास किया गया है, और ये इंपॉर्टेंट था जिसमें हम बात कर रहे हैं इस बिल में HP लोकायुक्त बिल। अब हाई कोर्ट के जो जजेस भी हमारे लोकायुक्त हिमाचल के बन सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों पुराने प्रश्न इस हफ्ते के दो ही दिन हो चुके हैं, वीरेंद्र कुमार हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, और दोस्तों जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है पेशेंट्स की वो है कुल्लू हॉस्पिटल में होगी, आप सबको याद होगा। और जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसका जो टाइम पीरियड था 2019 से 2021, आपको ये भी याद होगा। ड्रोन फेस्टिवल है कहाँ पर लगा, वो धर्मशाला में लगा दोस्तों, ये भी आपको है अब तो याद हो ही गया होगा, तीन चार बार अलग अलग तरीके से पढ़ा है। और नेचुरल फार्मिंग या फिर जीरो बजट फार्मिंग, इसका जिक्र हमने PKKY में कर भी लिया था। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए होंगे, डाउट है तो जल्दी से पूछ भी सकते हैं। और जो है बिल्कुल रंजन गोगोई जी का भी जिक्र है, हमने कल परसों किया था, तो दोस्तों जल्दी से कोई डाउट है पूछ लीजिए। और लास्ट सेक्शन है, इसके लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये नहीं किया तो फिर कुछ भी नहीं किया। तो दोस्तों जो है उम्मीद करता हूं जल्दी से बता दीजिए डाउट हो, और सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें लास्ट में। हाँ जी, तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हैज बीन स्टार्टेड अगेंस्ट रंजन गोगोई, बिल्कुल करिश्मा,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रिविलेज मोशन। कहा जाता है कि 1978 में इंदिरा गांधी के खिलाफ इसे जो है चौधरी चरण सिंह लेकर आए थे और जब इसको पास कर दिया था सदन ने तो दोस्तों उनकी जो लोकसभा की जो मेंबरशिप थी वहां से उन्हें है सस्पेंड कर दिया गया था। तो जो है लोकसभा की मेंबरशिप तक है दोस्तों वो जा सकती है अगर ये प्रिविलेज मोशन पास हो जाता है। तो चलते हैं हमारे लास्ट सेक्शन की तरफ दोस्तों जल्दी से कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में है दोस्तों इन्होंने कहा है कि अब बच्चों के लिए भी दवाई बड़ी जल्दी है तैयार हो जाएगी। चार धाम की जो यात्रा है उसके लिए अब रोड है दोस्तों बीआरओ बिना किसी संकोच के है उनको वाइडन कर सकता है। भारत दोस्तों छठी एनुअल ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट में यूके के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि भारत हमारा नेचुरल पार्टनर है। चौथा होलसेल इन्फ्लेशन के बारे में डिटेल में बताया है। दोस्तों प्रश्न आ सकते हैं होलसेल इन्फ्लेशन होती क्या है, सीपीआई क्या होती है, इनके बेस ईयर क्या है और इनको इनके जो आंकड़े हैं कौन प्रस्तुत करता है, ये सारे प्रश्न आपको आ सकते हैं। और साथ ही साथ जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप है वो स्पेन में उसकी शुरुआत हो चुकी है बैडमिंटन से जुड़ी हुई। फिर हमारे जो एमसीक्यूज थे वो थे स्मार्ट मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पिडो मिसाइल से जुड़ा। उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। डीआरडीओ ने रिलीज किया है एंटी सबमरीन जो है मिसाइल के तौर पे ये काम करेगा दोस्तों। फिर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे जो 14 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें आईआईटी कानपुर ने सॉयल की डिटेक्शन के लिए एक नया जो है इक्विपमेंट बनाया है जो फार्मर्स को बड़ा हेल्प करेगा क्योंकि रियल टाइम एनालिसिस ये 90 सेकंड्स में आपको मिट्टी के बारे में पूरे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की इंफॉर्मेशन दे देगा। फिर सरयू कैनल प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत हो चुकी है ईस्टर्न यूपी में। फिर हम बात करेंगे इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन का भारत लगा जो है दोबारा से है 2 साल के लिए मेंबर बन चुके हैं। और दोस्तों जो जो अगला प्रश्न था वो हमारा था कि दुबई में अब जो है 4.5 साल का है जो हफ्ते में काम होगा और वहां पर अब 2.5 दिन तक है वहां के जो वर्किंग लोग हैं वो इंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर। हर रोज की तरह उम्मीद करूंगा अच्छे से समझ आए होंगे। उम्मीद करता हूं हर रोज की तरह आपको सेशन देखने के बाद है एनर्जी जो है एनर्जेटिक फील हुआ होगा और उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये सारे करंट अफेयर हैं जो आपके एग्जाम्स की तैयारी में मदद करेंगे, आपकी जिंदगी को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।